सब्सक्राइब कीजिए पियरलेस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ दो अलग अलग टाइप के चटनियाँ जो कि चार चांद लगा देगी आपके कोई भी चाट में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियरलेस किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। उसके लिए हम एक मिक्सर का जार ले लेंगे और उसमें ले लेंगे धनिया पत्ता, अच्छी तरह से धो के लेना है, एक मुट्ठी भर ले लेना। और ये जो डंटी है ना, इसको भी फेंकना नहीं है, इसमें बहुत सारा फ्लेवर होता है। उसके बाद हम तीन चार हरी मिर्च डाल देंगे और आधा हम डाल देंगे इसमें नींबू, आप चाहो तो नींबू का रस भी डाल सकते हो। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चार पाँच लहसुन की कलियाँ, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार में, सादा नमक डाला है मैंने और थोड़ी सी मैंने डाली है काला नमक, इससे ना चटके वाली फीलिंग आएगी। और इसको बाइंडिंग करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ दही, तीन चार चम्मच दही डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्सर में चला लेंगे और बस अपनी चटनी जो है रेडी हो जाएगी। ये देखो चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बाज़ार में बहुत सारी दुकानों में यहाँ ही गड़बड़ कर देते हैं दोस्तों कि जब भी धनिया पत्ता का सीज़न नहीं चल रहा हो तब वो क्या करते हैं, थोड़ा सा दही ज़्यादा डाल देते हैं और फूड कलर का यूज़ करते हैं हरा वाला, तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड है हमारी इमली की चटनी। उसके लिए हम एक कढ़ाई में ले लेंगे पानी और उसके साथ में इमली को डाल देंगे। इमली अभी इसलिए डाल रहे हैं ताकि इमली जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सके, और गर्म पानी में भी आप डाल सकते हो और पानी में डालने के बाद भी गर्म कर सकते हो। थोड़ा सा इस तरह से हम तोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो सके पानी के साथ, और थोड़ा सा हम इसको बॉयल कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो सके और इसका जो पल्प है वो बाहर निकल के आ सके। और उसके बाद हम गैस को बंद करके इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद ये देखो ये पल्प जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी इसे मैं छू ही नहीं सकती। और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हाथों से ना इसके पल्प जो है उसको छुड़ा लेंगे। अभी आप कर भी सकते हो छन्नी से, और मुझे ना ऐसे ज़्यादा आसान लगती है, पल्प जो है वो आसानी से बाहर निकल के आ जाती है और सारा का सारा आ जाती है। तो मैं तो इसे हाथों से ही करती हूँ और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी हाथों से ही करना। तो ये देखो ये पल्प रेडी है। उसके बाद हम एक कढ़ाई या फिर एक पैन ले लेंगे और गैस को रखेंगे लो पे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच इतना सौंफ, और चुटकी भर हम इसमें डाल देंगे राई, चुटकी भर हम डाल देंगे इसमें कलौंजी, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो चाहो तो ना भी डाल सकते हो, चुटकी भर डाल देंगे जीरा, और ये मैंने यहाँ पे डाली है कसूरी मेथी। अगर आपके पास मेथी है साबुत मेथी तो वो भी डाल सकते हो, घबराना नहीं है दोस्तों। मेथी ना रोस्ट करने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू देती है। ये देखो ये रोस्ट हो चुकी है, लो फ्लेम पे ही आपको इसे रोस्ट करनी है, और उसके बाद इसको हम पाउडर बना लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद हम ले लेंगे एक चम्मच तेल, तेल को गर्म होने देंगे और उसमें डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लो फ्लेम पर लाल मिर्च के पाउडर को हम थोड़ा सा बस भून लेंगे, और भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पर डाली है 1 ग्लास जितना। थोड़ा सा हम पानी के साथ इसको बॉयल होने देंगे, मतलब कि ये जो लाल मिर्च का पाउडर हमने डाली है ना ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो सके। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ 4-5 चम्मच, आप चाहो तो गुड़ से भी बना सकते हो, गुड़ से भी ये अच्छे बन जाते हैं। तो 4-5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है चीनी, अच्छे से घुल जाए। तो चीनी तो अच्छे से घुल चुकी है और आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज में आके हम इसमें डाल देंगे ये इमली का पल्प, और बस हाई फ्लेम पे हम इसको चलाते ही जाएंगे। धीरे धीरे ना ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और ये एक जेली का टेक्सचर ले लेगी। ये देखो ये ठंडा होने के बाद ना और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो आपको कितना गाढ़ा चाहिए उसी के हिसाब से आपको गैस को बंद करनी है। ये मैंने यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट, उसके बाद ये वाले टेक्सचर में आ चुकी है। अब मैंने आपको क्या दिखाया है, ये ना ठंडा होने के बाद वाला नज़ारा है, आप जितना ठंडा कर दोगे ये उतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब ये देखो कितना अच्छा बना है हमारा इमली का चटनी, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है। आप इसे कोई भी चाट में यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। तो दोस्तों दोनों रेसिपीज मैंने आपको बता दी है, अब देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और दोनों के दोनों ही ट्राई करिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ताकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।